बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बहुत ही टेस्टी से स्नैक्स बना रहे हैं, फ्राइड कॉलीफ्लावर बनाएंगे। ये नगेट्स और ब्रोस से ज़्यादा मज़े के लगते हैं। जो मीट खाने वाले नहीं हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ये देखिए, मैंने 1 किलो गोभी का फूल लिया था और इसको मैंने इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। बहुत ज़्यादा छोटे पीस नहीं करेंगे, वरना फिर वो टूट के बहुत ही चूरा हो जाते हैं। हमें बड़े बड़े पीस चाहिए, इतने बड़े बड़े तकरीबन। और ये मैंने पानी एक तरफ बॉईल होने के लिए रख दिया था। इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और इसको हम 2 मिनट तक हम इसको बॉईल करेंगे। इतना करेंगे कि हमारे 20-30% ये पक जाए, ताकि जो है जब हम फ्राई करेंगे तो वो कच्चे ना रहे अंदर से। बस थोड़ा सा हम इसको बनाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। देखिए, 1 कप मैंने मैदा लिया है, इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, ओरिगानो मैंने 1/2 टीस्पून किया है, 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैंने कुटी लाल मिर्च ऐड की है, 1/2 टीस्पून इसके अंदर पिसी लाल मिर्च ऐड की है। हमारे यहाँ थोड़ा सा टेस्ट एशिया के लोगों का इस तरह होता है, तो हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस, मैंने रेड चिली का यूज़ किया है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ना यूज़ करें। इसके अंदर सिर्फ ब्लैक पेपर, ओरिगानो और क्या कहते हैं, नमक ऐड कर लें बस खाली। अब इसके अंदर मैं 1 अंडा डालूंगी तोड़ के और इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। बहुत ही मज़े की और बड़ी क्रिस्पी सी, बड़े क्रंची से ये बनते हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, हमारे हो चुके हैं। ये मैंने ब्रेड क्रम्स रखे हुए हैं एक साइड पे, ये हमने निकाल के और इसको ठंडे पानी में डाल दिए थे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाए। अब हमने इस तरह कर एक तरफ हमने इसके अंदर बैटर में डाले और इसको हम ब्रेड क्रम में हम इसको कोट करेंगे अच्छे तरीके से। इस तरह से हम सारे डाल दिए और अच्छे से हम इसको कोट करके ब्रेड क्रम में बहुत अच्छी तरीके से कोट करें। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप 2 दफ़ा कर लें इसको, ताकि बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्रेड क्रम लग जाए इसके अंदर, ताकि इसका क्रंचीपन जो है वो बरकरार रहे, वरना ये होता है कि निकल जाता है। देखिए, मैंने इस तरह करके रख दिए थे। अब मैं ऑयल गरम कर लिया है, एक साइड पे मैंने रखा हुआ था, और हम बहुत ज़्यादा तेज़ ऑयल में नहीं तलेंगे, मीडियम फ्लेम रखी है मैंने, वरना ये होगा कि ऊपर से आपके एकदम से कलर पकड़ लेंगे और तेज़ कलर हो जाएगा, जल जाएंगे और अंदर बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे ये। तो इसलिए आप मीडियम फ्लेम में, गरम हो जाए तेल तो आप मीडियम कर लें और इसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर के तलें आप, गोल्डन गोल्डन से। देखें, इतने फ्लेम हो आपके कि जले नहीं आपके। और इसको आप देखें, आप कितने ज़बरदस्त से हमारे फ्राइड कॉलीफ्लावर तैयार हो चुके हैं। जिनको चिकन मटन नहीं खाना होता है, जो मीट लवर नहीं है, वो ज़रूर ये बना के खाएं। बहुत ज़बरदस्त से स्नैक्स तैयार हैं। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।